अब बात गरीबी रेखा को लेकर। गरीबी रेखा की परिभाषा के बाद कांग्रेस सरकार की फजीहत होने के बाद लगता है कांग्रेस नेता अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। कल कपिल सिब्बल ने गरीबी रेखा की परिभाषा के लिए योजना आयोग पर निशाना साधा था और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने योजना आयोग के पैमाने पर भी सवाल उठाए और कपिल सिब्बल का यह कहना है कि ₹5 तो छोड़िए, 5 लोगों के लिए ₹5,000 भी काफी नहीं है महीने के खाने के लिए। वो जो गरीबी रेखा के ऊपर है वो कहीं ना कहीं ये जो पैमाना तय कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ₹5,000 भी अगर एक 5 सदस्य के परिवार के लिए काफी नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो गरीबी रेखा और ₹12 में भोजन का जो ये नया आंकड़ा सामने आया पूरा गलत है। आपको बता दें कि परिभाषा ने यह तय की थी कि शहरी इलाकों में एक दिन में भरपेट खाना जो वो ₹33 में मिल जाता है और ग्रामीण इलाकों में ₹27.20। कपिल सिब्बल के तीखे तेवर देखकर कई कांग्रेसी नेताओं ने भी अपने तेवर बदले, यहां तक कि राज बब्बर ने यह कहा कि उन्हें खेद है कि उन्होंने ऐसा कहा और जिनको ठेस पहुंचा उसके लिए भी उन्हें खेद है। फारूक अब्दुल्ला का यह कहना था कि मेरे बात को गलत समझा गया।